हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एजी और आप बने हैं एजी के साथ। सो दोस्तों, आज की जो रेसिपी है वो है चिकन कढ़ाई। दोस्तों मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं, इसे हमने धो लिया है ऑलरेडी। और इसमें पोर्ट के लीजिए जो 250 ग्राम है दोस्तों, और ये ऑनियन लिया है हम दोस्तों, ये भी 250 ग्राम है दोस्तों, इसके हमने अच्छे से स्लाइसेस कर चुके हैं दोस्तों। और ये हमारा पेस्ट है दोस्तों, जो खड़े मसाले का पेस्ट है दोस्तों, और ये रेड चिली का हमने पेस्ट बनाया दोस्तों। और जो तेल में हम इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे उसके लिए हमने 2 छोटे तेजपान लिए हैं और 1 चुटकी जीरा लिया है दोस्तों। सो मैं दिखाना चाहूँगा दोस्तों कुछ देर में आपको कि किस तरीके से हमने जो मसाले, जो खड़े मसाले कौन कौन से लिए हैं वो आपको दिखाते हैं दोस्तों। उसके बाद में हमने 20 लाल मिर्ची लिया है दोस्तों। उसके अंदर मसाले में आपका दालचीनी है, बड़ी इलायची है 2 से 3, छोटी इलायची 2 से 3, और 4 लौंग लिए दोस्तों। उसके बाद उसमें खड़ी धनिया लिए दोस्तों, काली मिर्च दोस्तों, 1 इंच हमने अदरक लिया है, और 4 लहसुन की कलियां, और 1 चम्मच जीरा दोस्तों। सो दोस्तों, हमने अपनी कढ़ाई अभी रख चुके दोस्तों, और गैस का फ्लेम हमने हाई रखा है दोस्तों, क्योंकि हम सरसों का तेल इसमें यूज़ करेंगे। सो दोस्तों, इसीलिए आपको कढ़ाई गर्म होने का वेट करना है दोस्तों। अब हम इसमें तेल ऐड करेंगे दोस्तों, और मैं दोस्तों जो तेल यूज़ कर रहा हूँ वो है सरसों का, जो हम करीब करीब 150 ग्राम यूज़ करेंगे दोस्तों। सो दोस्तों, हमारा तेल हमने डाल चुके दोस्तों, और हमारा तेल तकरीबन गर्म होते आ गया दोस्तों। तो उसमें हम क्या क्या डाल रहे हैं दोस्तों, इंग्रेडिएंट आपको दिखाते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, तेल गर्म हो चुका है हमारा। अब हम इंग्रेडिएंट इसमें ऐड कर रहे हैं, जो कि 2 तेजपान है, और जीरा है, और आपका हींग है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और हींग जो दोस्तों है, 1 चुटकी हम हींग डाल रहे हैं इसमें। ये प्याज है दोस्तों, हम इसमें प्याज भी ऐड करेंगे। इसको देखिए अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना दोस्तों, जिससे प्याज अच्छी तरीके से ऑयल में मिक्स हो जाए। और दोस्तों, इस प्याज को हम जब तक भूनेंगे दोस्तों, जब तक इसका कलर ब्राउन ना हो जाए दोस्तों, क्योंकि इसकी भुनाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। अब दिखाते हैं दोस्तों कैसे तरीके से इसका गोल्डन ब्राउन जो कलर आता है, आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा प्याज तकरीबन भून चुका है दोस्तों। हम इसे ज़्यादा भूरा नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसे हम मसाले के साथ भी भूनेंगे दोस्तों। सो अगर आप नॉनवेज के शौकीन हो दोस्तों खाने में, तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए दोस्तों, इसलिए इसको अंत तक देखें और अच्छी तरीके से जाने किस तरीके से बनती है चिकन कढ़ाई। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये है हमारे खड़े मसाले का जो पेस्ट है, अब हम इसमें ऐड करेंगे। तो दोस्तों देखिए, हम इसमें ऐड कर चुके हैं, और इसे अच्छी तरीके से हम अभी मिला देंगे दोस्तों। और दोस्तों, ये है हमारा लाल मिर्च, जो हमने खड़ी मिर्च को पीसे थे उसका पेस्ट, अब हम इसमें ऐड करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, इसे भी हम इसी आगे की तरफ मिक्स कर देंगे दोस्तों। देख सकते हैं आप इस तरीके से मिक्स हो रहा है दोस्तों, देखिए उसका पिक्चर कितना अच्छा बदलता जा रहा है दोस्तों। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा मसाला तकरीबन भून चुका है दोस्तों, हमने इसे 5 मिनट भूंजा है दोस्तों, और हमारा मसाला भून के तकरीबन रेडी है। और बाकी मसाला हम इसमें गोश्त ऐड करके भूनेंगे दोस्तों, तो दिखाते हैं किस तरीके से इसमें गोश्त ऐड किया जाता है दोस्तों, और किस तरीके से भुना जाता है। तो दोस्तों देखिए, हम अभी अपने चिकन को इसमें ऐड कर रहे हैं मसाले में। इस तरीके से हम सारे चिकन को मसाले में ऐड कर देंगे दोस्तों। सो दोस्तों, अब हम इसको भुनाई करेंगे कम से कम 15 मिनट दोस्तों, और तकरीबन हमारा गोश्त पक्के रेडी हो जाएगा दोस्तों। तो दिखाते हैं किस तरीके से हमारा जो चिकन कढ़ाई है वो किस तरीके से तैयार होता है दोस्तों। सो दोस्तों, हमारा गोश्त तकरीबन पक्के रेडी होते आ रहा है दोस्तों। अब हम इसमें करेंगे ऐड नमक, और मैं ऐड करूँगा 2 स्पून नमक दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरीके से। और इसे हम अच्छी तरीके से आप मिक्स कर देंगे दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, हमारा
जो चिकन है काफ़ी अच्छी तरीके से भून चुका है मसाले के साथ, पूरा ऑब्जॉर्ब कर चुका है इन्होंने। अब इसका कलर, इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से बन के रेडी होते आ रहा है दोस्तों। तो हम आपको फाइनल टेक दिखाते हैं दोस्तों कि किस तरीके से आपका चिकन कढ़ाई रेडी होता है दोस्तों। सो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी चिकन कढ़ाई कितनी अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी है दोस्तों, किस तरीके से इसे बॉईल दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से तैयार हुआ दोस्तों, मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इस तरीके का चिकन कढ़ाई बनाने के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। सो दोस्तों देख सकते हैं आप किस तरीके से हमारी चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है दोस्तों, कितना खूबसूरत उसका फ्लेवर दिख रहा है आपको, देख सकते हैं उसका टेक्चर आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से तैयार किया है, मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। और इस तरीके की रेसिपी को बनाने के लिए दोस्तों हमारे साथ हमेशा बने रहे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले रेसिपी के साथ दोस्तों, और आपका दोस्त मैं हूँ AG।